हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार, यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि युद्ध मैथ आप सबका ट्रिग्नोमेट्री का टाइप टू होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, टाइप वन का यानी टाइप ट्रिग्नोमेट्री में हम सब देख चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री में टाइप वन में दोस्तों हम सब 14 यानी 8 तक क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, हम सबको टाइप वन का और टाइप वन का 9 से क्वेश्चन होगा, इसमें करीब टाइप वन में 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, टोटल मिला करके आप सबको क्वेश्चन हो जाएगा 114 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में खाली दोस्तों। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर पूरा दबा के करिएगा, दबाइए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल को जरा दिखाइए, तुम आप सब सवाल देख रहे क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर सवाल हम सबको क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसका पहला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके पहला वीडियो को देख लीजिए, अच्छा रहेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू जीरो, तो पूछा है साइन के पावर 4 थीटा, ध्यान दीजिए, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस टेन के पावर 4 थीटा, ए हम सबको सवाल पूछ दिया है, आप सब इसे आराम से हल कर सकते हैं। हमने अगर टाइप वन नहीं देखे इसका तो टाइप वन देख लीजिए, क्योंकि इसका बेसिक के साथ हम बता दिए। ध्यान दीजिए, ये माइनस उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या तो थीटा के मान ऐसा रखिए कि एल एस एच बराबर आर एस एच हो जाए, या तो थीटे का मान निकाल लीजिए, हम सब थीटे का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, यानी बनेगा साइन थीटा बराबर कॉस हो जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर के रूप में रहता है दोस्तों, अगर इसका पहला नहीं देखे तो देख लीजिए, इसे तो पूरा बेसिक के साथ बताए। ठीक है, तो साइन और कॉस अगर रहा, टेन कॉट रहा, सेक कॉसेक रहा बराबर के रूप में, तो थीटा के जोड़ के 90 डिग्री कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, तो एक थीटा प्लस इधर से थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अब देखिए, एगो थीटा के गो थीटा, 2 थीटा बराबर 90। अब काटेंगे तो 45 थीटा के यानी 45 डिग्री के मान आ गया। या तो आप यहीं से आप नहीं जानते तो डायरेक्ट यहीं पर थीटा का मान रखिएगा 45 डिग्री, तो आप सबको पता चल जाएगा एल एस एच बराबर आर एस एच हो जाएगा, वही मान उसमें पुट कर दीजिए। या नहीं जानिएगा तो थीटा साइन कॉस रूप में रहे तो आप सब क्या करिए, दोनों थीटा को जोड़ करके बराबर में 90 डिग्री ले दीजिए। अब ध्यान दीजिए, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, लेकिन यहाँ है कितना पावर 4, तो 1/ कितना हो जाएगा 4, 1/4 प्लस 1/1 खाली ना, चले ध्यान दीजिए। अब देखिए, 4 एलसीएम हुआ 1 + 1 + 4, तो 6/4 तो काटे द्वितीय 6 × 2 = 4 यानी 3/2, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आ समझ में आ रहा है तो पता है ना क्या करना है, आप सबको लाइक सब्सक्राइब करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 10 दोस्तों, दम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रुप डी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 नंबर सवाल, कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो पूछा है, तो देखिए पूछा है कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा,
बराबर वन, इसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आराम से इसको बनाइए आप सब। सियाज डाल देते हैं, चलिए बन गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? आप ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन है, इसी में ले लीजिए कॉस स्क्वायर, कॉस से का स्क्वायर, कॉस से का स्क्वायर थीटा आप सबको कॉमन है, तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी बाबा यही बात क्या बोल रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नहीं याद है, याद कर लीजिएगा, टाइप वन देख लीजिएगा, आई होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर, इसमें गुना कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट के पावर फोर थीटा। देखिए इतना के वेल्यू क्या दिया हुआ, इतना यानी 3.6 आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल नंबर 11 दोस्तों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स प्लस है कॉस एक्स, चलिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर रूट टू कॉस एक्स, तो साइन के कौचिक मान पूछा, कॉट का, कॉट एक्स का मान क्या होगा? आराम से इसे देखते रहिएगा, ठीक है? ज्यादा साफ नहीं होता, देखिए कॉट के रूप में या तो टेन बना दीजिए, टेन बनेगा तो कॉट के, तो इसी बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक बटा, अगर टेन आता है एक बटा कॉट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉस से हम भागा दे रहे हैं, जब कॉस से भागा दे दिए, इसमें कॉस एक्स से भागा दे दिए, तो इसमें भी कॉस एक्स से भागा देंगे, इसमें भी कॉस एक्स से भागा दे दिए, ऐसे एक खत्म, ऐसे एक खत्म, एक बचा, तो वन प्लस इस साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन एक्स बराबर रूट टू हो गया, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी टेन एक्स बराबर रूट टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब ध्यान दीजिए, यहां हम सबको टेन निकला है और लेकिन यहां पूछा है कॉट, तो टेन निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस वन हो जाएगा, किसी को दिक्कत कैसे? जे देखिए, आप टेन एक्स को लिख सकते हैं एक बटा कॉट, एक बटा क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉट एक्स, दम आराम से लिख सकते हैं फॉर्मूला कि टेन एक्स गुने कॉट एक्स बराबर वन। हम और कुछ सोच रहे थे कि यहां से आप थोड़ा सा निकल जाता तो अच्छा है, तो ध्यान दीजिए यहां से अगर हम टेन एक्स के मान निकालते हैं दोस्तों, तो एक बटा होता है कॉट एक्स, ठीक है? और ध्यान दीजिए कॉट एक्स के मान निकालते हैं दोस्तों, तो एक बटे क्या होता है, टेन एक्स, दम आराम से समझिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सही लिख रहे थे, एक बटा टेन एक्स बराबर रूट टू प्लस वन। सर क्या लिख रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग चकरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा एक बटा टेन एक्स, तो टेन एक्स के मान क्या है, रूट टू माइनस वन, और इसको परिमेय करेंगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें गुना करेंगे तो रूट टू प्लस वन,
आई तो दू दूनी चार, तो दू दू में से एक गए थे, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यही आप सब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं इतना आप सब नहीं करेगा, जैसे अगर टेन आया तो ये माइनस में है तो प्लस में, अगर कॉट आया तो प्लस में है तो माइनस में होगा, और माइनस में तो प्लस में होगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए। हम कुछ और सोच रहे थे जखने, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए सवाल नंबर अगला दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखिएगा। सवाल नंबर 12 दोस्तों हम सबको क्या है ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 12 दिख चुका है, बनाइए दोस्तों जल्दी से ध्यान दीजिएगा। हम सबको सवाल नंबर 12 होगा, 11 हो चुका है, 12 देखिएगा दोस्तों। 12 नंबर क्या है दोस्तों, आप सबको sec थीटा है और प्लस आप सबको tan थीटा बराबर 1.25 है, तो पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर व्हाट, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25 है या कोई भी चीज हो, ठीक है, और प्लस में दिया अगर ये माइनस में पूछे तो विपरीत तो करना ही करना, तो ध्यान देना दोस्तों। अगर इसका टाइप वन नहीं देखे हैं तो जाके वन देख लीजिए, सर इस तरह का मैथ तीन चार को हम डाल दिए, ठीक है। अब पूरा अगर देखना चाहते हैं तो हमारा असाइनमेंट में टाइप 6 देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा आप सबको बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे जो देखिएगा, इसको लिख सकते sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर एक पॉइंट पॉइंट खत्म होगा तो नीचे 100 होगा, काटिए 25 से काटिए, 25 से 5 चौका 100, तो ध्यान दीजिए। आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इसको परिमेयकरण करिएगा दोस्तों तो प्लस तो क्या हो जाता है माइनस, आप परिमेयकरण में आई जो रहता अगर 4 नीचे है तो 4 ऊपर जाता है और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा sec थीटा माइनस tan थीटा 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा यही मान पूछा है हम सबको, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। अगर पॉइंट में आता है तो आप सब भागा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 हो चुका है, चलिए पॉइंट में ही दे रहा है तो आप सब भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.80 हो जाएगा दिक्कत, यानी 8×5=40, चलिए ध्यान 0.8 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम सबको सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 13 एकदम लॉलीपॉप है, आप बना सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर हल्का है, आप सब बना सकते हैं, चलिए 13 बनाइए, से ग्रुप डी में पूछ रहे, चलो बता देते हैं। 10^4 प्लस 10² बराबर दे लिए 11 दोस्तों, तो पूछा है sec^4 माइनस sec²। आप सब क्या करिए दोस्तों, इसमें sec² कॉमन है कि नहीं, तो ले लेते हैं sec²θ कॉमन लेंगे तो sec²θ माइनस हुए, आई sec²θ बराबर 1+tan²θ होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए दोस्तों, आई होता है डायरेक्ट क्या होता है tan²θ, इसमें गुना करेंगे तो बनेगा tan²θ + 10^4 इतना के मान क्या दिया हुआ 11, आप सबको आंसर हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा मैथ पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ले गा रहे ही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखते हुए जाना दोस्तों, ठीक है, आराम से बढ़ना,
पढ़ना उबिया के नहीं। 14 नंबर सेम है दोस्तों, ठीक है। कौशिक के पावर फोर तो कौशिक कॉमन ले लेना है, ठीक है। आराम से फिर गुना करेगा यानी इसका आंसर भी हो जाएगा कितना, 4 दोस्तों, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल ऑफर, धमाका ऑफर। 14 नंबर क्वेश्चन को दिखाइए, देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल, चलो 15 बताते हैं दोस्तों, ठीक है। 15 नंबर क्या बताएंगे, आप खुद बना सकते हो, इसको परिमेयकरण खाली कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, भागा दे दीजिएगा आप सबको आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर हम सबको आ जाएगा, कौन आंसर आ जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा 0.125, ठीक है। आप सब हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए 15 नंबर भी आप सबको ऑफर। 16 नंबर, चलिए 16 नंबर भले बताने का चीज है, आप सब देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर सवाल, 10 अल्फा बराबर 3 - √2। तो पूछा है, तो क्या पूछा है, देखिए पूछा है 10 अल्फा - cot अल्फा के मान क्या होगा, यही मान तो पूछा है, 10 अल्फा - cot अल्फा के मान क्या होगा। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, 10 अल्फा - cot अल्फा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्फा के मान निकाले, तो हम बोले ना अगर 10 रहे तो डायरेक्ट निकाल, इसको परिमेयकरण करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए अगर कॉट एल्फा निकाल लेते हैं तो 3 + √2 दम देखते जाए मजेदार, यानी एल्फा के मान आपको 3 - √2 माइनस यो माइनस यो माइनस हो जाएगा। आप सबसे देखिएगा ए से ए कैंसिल हो गया, दो कितना हो गया -4√2 हो जाएगा। चलिए आपका आंसर आ गया होगा -4√2, देख लीजिए तो ऑप्शन में देता है -4√2, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किताब से भाषा से बनाओगे दोस्तों तो लटकल रह जाओगे, ठीक है, हमारा मेथड का इस्तेमाल करिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 नंबर हो चुका है, 17 नंबर सवाल दम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब बना सकते हैं। 17 परिमेयकरण करिएगा, थीटा का मान निकलेगा वही आप सबको आंसर हो जाएगा, लेकिन देखिए 17 देख लीजिए, 24 क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, 24 खत्म हो जाएगा, देखते रहिए। 17 नंबर सवाल दोस्तों क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है, तो sec थीटा का मान पूछा है, sec थीटा बराबर y, आप सब आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अगर इसको परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/6 होगा, यानी इसे ही खत्म हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये जोड़ेंगे तो 2 sec थीटा बनेगा, 6 × 36 = 37/6 हो जाएगा, यानी उसको जोड़ेंगे तो मिलकर जोड़ हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो sec थीटा बराबर 37/12, अगर पूर्णांक में आता तो सही है, नहीं आता तो यही सही है, ध्यान दीजिए पूर्णांक में आता तो टोल लीजिए 12 × 3 = 36, यानी कर सकते पूर्णांक में देता है, देख लेते हैं आप सबको पूर्णांक में दे रहा है दोस्तों, तो 12 × 3 = 36, 3 × 1/12, जल्दी सा स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल हम सबको 17 हो चुका है, 18 नंबर देखिएगा दोस्तों, 18 नंबर नहीं बताएंगे, 18 नंबर और 12 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हैं, 18 नंबर और 12 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर आप सब क्वेश्चन को देख रहे हैं, 18 नंबर आपके नाम, ठीक है, नहीं बनेगा फिर कमेंट करेंगे, फिर दोबारा बताएंगे, 18 हो गया। 19 नंबर दोस्तों, 19 बता देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर सवाल देखिएगा,
19 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको एनटीपीसी में पूछ दिया है, ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या है, एम है, तो पूछा है सेक थीटा आई भी दिया हुआ सॉरी प्लस कॉस सेक थीटा बराबर क्या है, एन है, तो एम बटा एन क्या होगा, एम बटा एन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसे हल कर सकते हैं, क्यों ना हम देखिए एम के मान तो दे लिए हैं, एन के मान इसको ध्यान दीजिए, एन के मान कैसे करेंगे, ए कॉस को सेक के रूप में तोड़ सकते तो, सेक सेक तो है ये, तो कॉस के रूप में तो एक बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता प्लस आई एक बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा फॉर्मूला होता दोस्तों, ठीक है, यानी कॉस थीटा बराबर एक बटा होता है साइन थीटा बटा बराबर एन है, इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो एन हो जाएगा, इतना के मान आप सबको क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो एम अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब कितना है बराबर एन, अब देखिए क्रॉस करिएगा तो देखिएगा इधर होगा तो गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी एम बटा एन बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आप सबको क्या हो गया आंसर, यानी एम बटा एन बराबर क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम सबको 19 हो चुका है, 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए कि आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है, ये मायने रखता है, ये नहीं कि मायने रखता कि कितना देरी हो रहा है, आप सब जब सीख जाओगे दोस्तों तो आप स्पीड खुद बना लोगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 19 हो चुका है, 20 नंबर क्वेश्चन सेम है दोस्तों, आप सब बना सकते हैं, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वहां माइनस पूछा है और वहां प्लस तो उलट देंगे तो डायरेक्ट तीन आंसर हो जाएगा। चलिए 20 हो चुका है, 20 क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन दिखा दिया गया, ध्यान दीजिए 21 नंबर सवाल दोस्तों, 21 नंबर तो चलिए बता देते हैं, 21 नंबर बहुत हल्का है, हिंट थोड़ा सा दे देते हैं, 21 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो पूछा है क्या देखिएगा सेक थीटा प्लस सॉरी इंटू है इंटू कॉसेक थीटा, ऐसा काम करिए कि बन जाए, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं एक बटा कॉस थीटा आ एक बटा साइन थीटा दम कर सकते हैं, आप देखिए यहां से साइन कॉस के मान निकल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी 4 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा होगा दम करेक्ट होगा, अब ध्यान दीजिए इस साइन थीटा अब बटा क्या लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा, यानी 3 बटा 4 ई साइन के ई कॉस के तो रख दीजिए, तो एक बटा कितना कॉस के मान 4 दोस्तों, आ इसका मान कितना एक बटा साइन के मान 3 एक बटे 12 देता क्या आंसर हमको तो लगता है 21 के नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बनेगा, देना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते, देखते हैं, देखो साइन बाय कॉस क्या बनेगा टेन थीटा 3 बटा 4 यानी लंब बटा आधार, कर्ण के मान कितना 5, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी 5 बटा 4, ओ अच्छे
पालस वाला रहता ना तो हम सबको हो जाता, गुणम नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे मान रखेगा तो गुणम नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाँ उपरोक्त साइन रहता निचु कॉस रहता ना तो ये नियम अप्लाई कर सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेन थीटा यानी हो गया कौशिक थीटा कर्ण बटा लम, तो कर्ण के मान 5 और लम के मान दोस्तों 3 यानी 25/12। देख लीजिएगा 25/12 ऑप्शन मिल रहा है, 25/12 बी नंबर दोस्तों, जल्दी सा स्क्रीनशॉट लीजिए। वो नियम कहां अप्लाई नहीं हुआ दोस्तों, अगर बटा के रूप में रहता ना, आओ बटा के रूप में रहता तो हम सबको आंसर आ जाता दोस्तों, गुणा में जोर घटाओ में अगर रहता तो दोस्तों। ठीक है, बहुत तरीका दोस्तों बनाने का, ठीक है, एक तरीका नहीं हजार तरीका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 21 हो चुका है हम सबको, 22 नंबर सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और देखिए वो हम बताए थे ना अभी भागा जो दिए थे 22 नंबर क्वेश्चन, और आप सबको अभी जस्ट बताए 11 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप सबको लिए ऑफर है, ठीक है, 22 नंबर सवाल आपके लिए। चलिए 23 नंबर दोस्तों, 23 भी तो आप ही के लिए है, चलिए 23 भी आप ही के लिए, 23 खाली कलटना है दोस्तों, ठीक है, 23 नंबर आप ही के लिए। और 24 नंबर क्या 24, चलो बता देते हैं, सब सोचिएगा कि ऑफर भेज दीजिएगा, बताएगा नहीं, लेकिन 22 दोस्तों और 23 दोस्तों आप बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल, 22 23 हो गया ना, 24 नंबर दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 24 नंबर सवाल, कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हम सबको 2 दे ले, तो पूछा है देखिए कॉट थीटा का मान क्या होगा, वाह ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कॉट थीटा का मान पूछा है तो ध्यान दीजिए, इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 2, लेकिन कॉट थीटा लाना है तो घटा दीजिए प्लस माइनस, इसे कैंसिल हो गया तो ये बनेगा क्या, क्योंकि देखिए घटाए, क्योंकि देखिए जब करिएगा दोनों तरफ वर्क करिएगा तो आप सब जानते हैं कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर कहीं आप सबको कौशिक का प्लस कॉट दिखे टाइप 6 देख लीजिए दोस्तों, उसमें बहुत एकदम इजी से बताया ना, बहुत हल्का से बताया, ठीक है, और देखिएगा देखते के साथ आंसर मारिएगा, उसे प्रूव कर करके बताए दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए कॉट थीटा इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 2 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 ना हो जाएगा, चलिए यानी 2 कॉट थीटा, तो देखिए दोनों जोड़िए 2 प्लस 1/2, तो 2 कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, 5/2 तो 5/4 आता है आंसर, क्या पांच बटा चार कहे का मतलब क्या हुआ, भागा दे देते हैं, भागा दीजिए 1/4, 1 बचा 0.5, 2 5 4 2 8, 1.25 नहीं आता है, कहीं पर गलती हो रहा है क्या दोस्तों, हाँ गलती हो रहा है ना, सॉरी गलती हो गया है, हम सबको यहाँ घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, सॉरी ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 तो 4 - 1 तो कितना हो गया आपका 2 कॉट थीटा बराबर 3/2, तो देखिएगा कॉट थीटा बराबर 3/4 यानी आ जाएगा आप सबको ऑप्शन के अनुसार से, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दोस्तों 0 0 नहीं होगा, बी में 1 नहीं होगा, यानी 0.75 आ जाएगा, काट लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ठीक है। हम सब वो देखिए कहाँ गलती हो रहा था जानते हैं, हम सब जब इसको घटाए हैं तो माइनस था तो प्लस हो गया, आई प्लस तो क्या होगा माइनस, थोड़ा सा आप सब देख के चलिएगा दोस्तों, ठीक है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पूरी समझ में आया है दोस्तों ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका टाइप टू में दोस्तों आप सबको कितने क्वेश्चन बता देते हैं। टाइप टू में दोस्तों 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी टाइप टू को दो को बनाएंगे दोस्तों, 4800 सोल्व कर देंगे ठीक है। 114 क्वेश्चन है, यानी दो रक्षाबंधन से पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा ठीक है।